देख रहे हैं सच दर्शन। आप देख रहे हैं सच दर्शन। मैं सच दर्शन चैनल को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो 24/7 काम करने लगे हैं और ऑनलाइन उसका पूरा दिखा रहे हैं। और बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूँ हमारे क्षेत्र में सच दर्शन चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं चैनल। मैं सतीश कुमार शर्मा, वार्ड इंचार्ज 17S। सबसे पहले मैं सच दर्शन को बधाई देना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं चाहता हूँ सच दर्शन दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे और जो समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है कॉलोनी में हमारे किसी भी उसमें उसको दूर करने में ये आगे आए। मेरा नाम पीयूष भद्राजा है और मैं माधीपुर विधानसभा से हूँ। सच दर्शन के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिन रात चौनी तरक्की करे और सीतापुरी वार्ड में जो भी समस्याएं हैं वो उसको उजागर करे। सच दर्शन और उसकी पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम वरुण है और मैं पिछले 4.5 साल से अपने क्षेत्र में समाज सेवा के तौर पर काम कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता हूँ। पिछले 4 साल से क्षेत्र के अंदर में जो भी विकास हुआ है, जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, समय समय पर मैं सच दर्शन चैनल को मैंने ऑनलाइन चेक किया है। हमारे एरिया की एक एक समस्या मैंने चैनल पर देखी है और सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे यहाँ पर अब तक चल रहा था, जो नशीला पदार्थ दारू का और गांजे का जो इतना बड़ा कारोबार जो है चाणक्य प्लेस और सीतापुरी जैसे क्षेत्र में चल रहा है, उसमें सच दर्शन चैनल ने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है, जो कि सरकार की और दिल्ली पुलिस की आंखें खोली कि सीतापुरी वार्ड के अंदर में इस तरीके से जो है नशीले तरीके से जो है कारोबार इतना बड़े तौर पर चलाया जा रहा है। अधिकारियों को पता होने के बावजूद उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बट सच दर्शन चैनल के आने के बाद में हमारे यहाँ पर इन सब चीज़ों में फ़र्क भी आया है, हर चीज़ में फ़र्क आया है। तो मैं सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह और सच दर्शन से पहले भी हमसे सीतापुरी में मिले थे और उन्होंने हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ सच दर्शन का कि जिन्होंने हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाया। मैं इंद्रावती सिंह ककरोला से सोशल वर्कर हूँ और सच दर्शन की टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि ये लाइव हो गया है, ये दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। और अपने तरफ से इतना जरूर कहना चाहूँगी कि समाज में जितने भी दबे सहमे लोग हैं, अनऑथराइज कॉलोनियों में जो समस्याएं हैं जो सबके बीच नहीं पहुंच पाती है, उन सारी समस्याओं को आप दिखाएं, जन जन तक पहुंचाएं और इस काम को करते हुए आप आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामनाएं। मैं रविकांत चतुर्वेदी, बबलू पंडित, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व प्रदेश कमेटी युवा मोर्चे का सदस्य। मैं सच दर्शन न्यूज चैनल की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये न्यूज चैनल आज पूरे देश में क्या पूरे विश्व में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और भारत के अंदर जो सामाजिक तत्व हैं, जो झूठों का प्रचार करते हैं, जो भारत के स्वाभिमान से खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों के झूठ को पर्दाफाश करके देश के लोगों के सामने रखते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो पत्रकारिता करते हैं, जो देश के गौरव को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इनके चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ कि इस देश के लिए ये पूरी टीम, सच दर्शन की पूरी टीम जो है लगी रहती है कि हमारे देश के अंदर अच्छा कार्य हो, जो कहीं हमारे देश के खिलाफ या हमारे क्षेत्र के खिलाफ ऐसा कार्य होता है वहाँ ये टीम पहुँच करके जो है उसको उजागर करती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज आजम है, मैं सच दर्शन न्यूज को चैनल को बार बार मुबारकबाद देता हूँ, तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से और अपनी पूरी बिरादरी, पूरी कौम मिल्लत की तरफ से कि आपको ये बहुत आगे बढ़ने का मौका मिले। नमस्कार, मैं मोहन, यूनाइटेड फ्रेंड्स अपार्टमेंट से मैं मैनेजर हूँ यहाँ पर और मैं सच दर्शन की पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ये समाज के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तो ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे ये मेरी शुभकामना है, ये मेरी दिल से दुआ है इनके लिए। आप
देख रहे हैं सच दर्शन।